राधे राधे। आज हम जा रहे हैं बरसाना। आज हमारी ब्रजधाम यात्रा का तीसरा दिन है। बरसाना में राधा रानी का भव्य मंदिर है। हमें बरसाना जाने के लिए टैक्सी आनंद धाम आश्रम के स्टाफ ने ही रेकमेंड की है। आप बरसाना रेलगाड़ी, बस, अपनी कार से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि वृंदावन से बरसाना जाने के लिए आप वृंदावन के बस स्टेशन से बस ले सकते हैं, और अगर आपको रेलगाड़ी से जाना है तो मथुरा से कोशीकला के लिए ट्रेन ले सकते हैं। कोशीकला स्टेशन बरसाना के एकदम पास है। वहां से ऑटो रिक्शा करके आप मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप वृंदावन के लोकल टैक्सी वालों से बरसाना टूर करते हैं तो वो आपको बरसाना के आसपास जो भी फेमस जगह है राधा जी कृष्ण जी से जुड़ी वो आपको दिखा देते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोकल टैक्सी लेकर दर्शन करें तो आपको आसानी होगी। रास्ते के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुँच गए नंदगाँव। नंदगाँव मथुरा से 51 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ी के नीचे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी ने अपना बचपन यहीं बिताया था और उनके बचपन के कुछ निशान भी यहां पाए जाते हैं। हमें पता चला कि यह गांव भगवान कृष्ण जी के पिताजी नंद राय द्वारा एक पहाड़ी पर बसाया गया था, इसी कारण इस स्थान का नाम नंदगाँव पड़ा। और हमें ये भी पता चला कि गोकुल को छोड़कर नंद बाबा श्री कृष्ण जी को लेकर नंदगांव आ गए थे। हम गांव के सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हुए और गांव का आनंद उठाते हुए हम जा रहे हैं टेर कदम मंदिर। इस जगह का बहुत महत्व है क्योंकि श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे खड़े अपनी गायों को बुलाते थे। आज भी यहाँ गोपाष्टमी का त्यौहार बहुत ही पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। आपको बता दें कि तो इस मंदिर का नाम टेर कदम क्यों पड़ा। टेर का मतलब है बुलाना और कदम का मतलब है वृक्ष। ऐसा भी माना जाता है कि आज भी यहाँ पर गाय चराते हुए श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। लो आ गए हम टेर कदम। ये जो आप वीडियो में गेट देख रहे हैं ना, ये मंदिर का मेन गेट है। हमने मंदिर में दर्शन के लिए अपने जूते चप्पल उतारे, तुलसी मैया को प्रणाम किया और मंदिर में प्रवेश करने के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ा। आप सब भी पढ़ लीजिए। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सुंदर से मोर के दर्शन हुए और लोग इसे किशोरी जी कहकर पुकार रहे थे। यहाँ आकर हमें पंडित जी से पता चला कि टेर कदम वो स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे प्यारा था। यहाँ श्री कृष्ण जी कदम के वृक्ष पर बैठकर दूर चरने गई गायों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाया करते थे। यहाँ आज भी भक्तों को खीर का प्रसाद मिलता है। जब भी आप यहाँ जाएं तो खीर का प्रसाद लेना ना भूलें। मैं टेर कदम मंदिर के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और श्री कृष्ण जी और बलराम जी से जुड़ी बातों को जानकर हमारा मन आनंदित हो उठा। तो बोलिए जय श्री कृष्णा। टेर कदम मंदिर के दर्शन के बाद हम प्राचीन मंदिर श्री आशेश्वर महादेव जी के मंदिर में आ गए। नंदगांव स्थित यह मंदिर ब्रज के प्रसिद्ध पंच महादेव मंदिरों में से एक है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु महादेव जी के दर्शन के लिए यहां आते हैं। महाशिवरात्रि पर और सावन में यहां पर मेला लगता है और मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। अब हम जा रहे हैं नंद भवन। आप जो वीडियो में ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, हम इस सीढ़ियों से होते हुए नंद भवन की ओर जाएंगे। इसके आगे हमने शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बहुत बंदर हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।